दोस्तों, हर देश के अपने अलग अलग कानून और अपने अलग अलग अजीबोगरीब कई तथ्य भी होते हैं। फ्रांस दुनिया के बड़े देशों में शुमार है। यह संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है, जो दुनिया के ताकतवर देशों में भी शुमार है। यह क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 43वां और आबादी के हिसाब से दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की आबादी 7 करोड़ के करीब है। आज के इस वीडियो में हम आपको फ्रांस देश के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। दुनिया भर में मशहूर फ्रांस का शहर पेरिस दुनिया के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक शहरों में से एक है। पेरिस में स्थित एफिल टावर, जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है, यह टावर 41 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। इस देश में कोई भी डिपार्टमेंट स्टोर या होटल बचे हुए खाने को फेंक नहीं सकता है। ऐसा करना गैर कानूनी होता है। उनको बचे हुए खाने को फूड बैंक या दान कर देना अनिवार्य होता है। फ्रांस दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली अपनाई थी, जैसे कि किलोमीटर, लीटर और किलोग्राम इत्यादि। अप्रैल फूल डे की शुरुआत साल 1564 में फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में हर साल तकरीबन 750 लाख पर्यटक घूमने आते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में आने वाले पर्यटकों की तुलना में काफी ज्यादा है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये फ्रांस की आबादी से भी काफी ज्यादा है। इस देश की कुल जनसंख्या करीब 6.69 करोड़ है। इस देश में जो परिवार सफलता और गौरवता से अपने बच्चों को बड़ा करता है, उसे फ्रेंच सरकार ला मेलेदे दे ला फैमिली फ्रांस अवार्ड भी देती है। फ्रांसीसी क्रांति के समय 75% फ्रांस के लोग ऐसे थे जिनकी मातृभाषा फ्रेंच नहीं थी। इस देश में साहित्य के क्षेत्र में दुनिया भर में से सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं। हर देश में नए आविष्कारों और खोज करने के लिए तमाम एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक होते हैं। तो वहीं इस देश ने 2 फरवरी 1799 में दुनिया के पहले वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस हुई थी। फ्रांस में किसी भी सुअर का नाम नेपोलियन रखना अवैध है। इस देश में लगभग 4,700 किस्म के पनीर बनते हैं। यह दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने समलैंगिकता को कानूनी मान्यता दी है। इस देश के लोग सांपों, मेंढक की टांगे और घोड़े के मीट को भी बड़े चाव से खाते हैं। वैसे तो आप फ्रांस में किसी भी सार्वजनिक जगह पर अपने पार्टनर को किस कर सकते हैं, लेकिन वहीं इसके उलट आप फ्रांस में किसी भी रेलवे स्टेशन पर अपने पार्टनर को किस नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना गैर कानूनी माना जाता है और शायद इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। फ्रांस मानव अधिकारों की घोषणा करने वाला पहला ऐसा देश था जिसने मानव के इन अधिकारों को साल 1789 में घोषित किया था। इस देश ने दुनिया के 8.6% क्षेत्र पर राज किया है। इस मामले में यह इंग्लैंड के बाद दूसरे नंबर पर है। अमेरिका, रूस और इंग्लैंड के बाद परमाणु परीक्षण करने वाला फ्रांस चौथा ऐसा देश था। फ्रांस ने यह परीक्षण 1960 में किया था। इस देश में पुलिस अधिकारियों और पुलिस के वाहनों की तस्वीरें खींचना गैर कानूनी माना जाता है। यह यूरोप का सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल 2,48,573 मीटर वर्ग में फैला हुआ है। इस देश ने दुनिया का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था, जो कि सफल रहा। जैसे हर देश में शादी पर एक अलग कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही फ्रांस में शादी पर सफेद सूट पहनने की परंपरा है, जो फ्रांस में 1499 ईस्वी से चली आ रही है।
एक अध्ययन के अनुसार फ्रांस में करीब 44% लोग नास्तिक हैं, यानी कि वे किसी भी तरह की पूजा अर्चना या देवी देवता में विश्वास नहीं रखते। इस देश में लगभग 50 से 70 लाख लोग विकलांग हैं, यानी हर 10 में से एक व्यक्ति विकलांग है। इस देश में एक ऐसा अनोखा कानून है जिसको सुनकर आपको हैरानी होगी। फ्रांस में 1974 तक कोई भी फ्रेंच महिला अपने पति की आज्ञा के बिना अपना बैंक खाता और पासपोर्ट नहीं बनवा सकती थी। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े त्योहारों में से एक क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस ट्री सजाने की प्रथा पूर्वी फ्रांस में 16वीं सदी में शुरू हुई थी। इस देश का संपत्ति कर किसी भी अन्य यूरोपीय देश से ज्यादा है। इस देश में रोजाना 2 पुस्तकें कुकिंग से संबंधित छपती है। शराब दुनिया के सभी हिस्से में बड़े चाव से पी जाती है। फ्रांस शराब को पिछले 2000 सालों से बना रहा है। किसी भी देश का राजा बनना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन जो बनता है वो बहुत ही खुशकिस्मत होता है। वहीं इसके विपरीत लुई एंटोनी नाम का एक व्यक्ति 2 अगस्त 1830 को फ्रांस का राजा बनाया गया, लेकिन उन्होंने महज 20 मिनट बाद ही अपने पद का त्याग कर दिया। इस देश में हर 5 में से एक व्यक्ति आपको डिप्रेशन में मिलेगा, जिस कारण यह दुनिया के सबसे उदास देशों में से एक है। आप सभी ने फीफा वर्ल्ड कप का नाम तो सुना होगा। ये वर्ल्ड कप जीत पाना हर देश के लिए बहुत मुश्किल होता है। साल 1998 में फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी और उसको जीता भी था। फ्रांस 17वीं सदी के अंत के बाद से अब तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। यहाँ 96% हाई स्कूल के अंदर कॉन्डम वेंडिंग मशीन लगाई गई है ताकि एड्स की बढ़ती संख्या को कम किया जा सके। फ्रांस में पहली डिजिटल घड़ी, हॉट एयर बलून, पैराशूट और नकली मक्खन का आविष्कार हुआ था। इस देश को 12 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और इसके 5 विदेशी क्षेत्रों को डोम टोम कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति दुनिया के इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। यह क्रांति 1789 से 1799 तक चली थी। यह क्रांति एक ऐसा हिंसक आंदोलन था जिसका मकसद फ्रांस में राजशाही को खत्म करके लोकशाही की स्थापना करना था। फ्रांसीसी क्रांति के समय 75% फ्रांसीसी लोग ऐसे थे जिनकी मातृभाषा फ्रेंच नहीं थी। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा फ्रांस की क्रांति की देन है। इस देश में कोई भी इंसान किसी मृतक से भी कानूनी रूप से शादी कर सकता है। फ्रेंच राष्ट्रपति चार्ल्स डे गुल्ले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि 32 बार विरोधियों ने उनकी हत्या करने की कोशिश की और वे हर बार सुरक्षित रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।